कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि जो लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कुछ निर्माण कार्य के लिए जो इसे यूज किया जाता है, उस लकड़ी को हम लोग बोलते हैं क्या, उस लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर। ठीक है, लकड़ी जो होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, जो लकड़ी होती है वो कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। ठीक है, जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, दो तरीके की होती है। ठीक, पहली जो होती है होता है ईंधन लकड़ी। ठीक है, जो पहला होता है वो क्या होता है, ईंधन लकड़ी। ठीक, और जो दूसरा होता है वो होता है क्या, टिम्बर। ठीक है, ईंधन लकड़ी का मतलब होता है कि जो लकड़ी हम लोग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ जलाना हुआ, ठीक, जैसे कि हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने में। ठीक है, टहनियां हो गई, जैसे पेड़ की टहनी हो गई। ठीक है, ये सब जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईंधन लकड़ी, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्यूल वुड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्यूल वुड। ठीक, और जो टिम्बर होता है जो हम लोग सिविल कार्यों, सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं क्या, टिम्बर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टिम्बर। जो टिम्बर है उसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग कार्यों में, जैसे कि हम लोग को कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमको डोर बनाना हो, विंडो बनाना हो। ठीक है, और एग्रीकल्चरल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से खेतों को घेरना हो। ठीक है, रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले जब रेल गाड़ी थी तो वो लकड़ी की बनाई जाती थी। ठीक है, अब लोहे की बनने लगी, पहले लकड़ी की बड़े बड़े पल्ले से मिलके बनाया जाता था। ठीक है, अब जो है वो क्या है, कैसे बनाया जाता है, अब लोहे से बनाया जाता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले भी लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग रेलवे में करते थे। ठीक, फिर जो हमारा स्लीपर होता था, यानी कि जो ट्रेन चलती है, ठीक है, रेलवे ट्रैक, जो आप पत्थर का नीचे जो होता है देखे होंगे, नीचे की ओर पत्थर रहता है, फिर उसके ऊपर से ट्रैक रखी रहती है दोनों, रेलवे ट्रैक। ठीक है, पहले वो लकड़ी से बनाई जाती थी, लेकिन अब उसमें इम्प्रूवमेंट इसलिए किया गया कि क्या होता था कि घुन लग जाता था, दीमक लग जाती थी, जिससे क्या होता था कि वो जो स्लीपर है वो क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। ठीक है, स्लीपर क्या होते थे, खत्म हो जाते थे। ठीक है, इसलिए, और हमारा एक्सीडेंट का जो सिचुएशन था वो क्या, बहुत ज्यादा बनता था, इसलिए वहां पे लकड़ी हटा के किसका इस्तेमाल करने लगे हम लोग, सीमेंट कंक्रीट वाला। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट वाला हम लोगों ने इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, फिर आता है जो हमारी टिम्बर होती है वो तीन तरीके की होती है। ठीक है, टिम्बर का मतलब लकड़ी, लकड़ी होता है, वुड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाष्ठ। क्या बोलते हैं, प्रकाष्ठ। ठीक है, तो जो प्रकाष्ठ है वो तीन तरीके का होता है। पहला होता है हमारा डेड टिम्बर। डेड टिम्बर का मतलब होता है कि जैसे ही हम लकड़ी काट के, उस मतलब पेड़ को काट के लकड़ी हम लोग
प्राप्त करते हैं तो वो क्या हो गया, पेड़ मर गया एक तरीके से। पहले अगर पेड़ को क्या बोला जाता है, पेड़ क्या है, एक लिविंग थिंग है, ठीक है, लिविंग थिंग होता है पेड़, ठीक, क्योंकि उसके अंदर जान होती है, ठीक। तो जब वो उसको हम लोगों ने काट के लकड़ी हमने निकाली तो वो क्या हो गया एक तरीके से, वो क्या हुआ, वो एक तरीके से वो क्या हुआ, डेड हो गया, ठीक। तो जो लकड़ी हमको पेड़ के काटने के बाद मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग डेड वुड या डेड टिम्बर, ठीक है। और होता है एक लाइव वुड, यानी जैसे ही मतलब जो पेड़ है वो लगा हुआ है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसके अंदर लकड़ी है, पेड़ है, तो जो पेड़ लगा हुआ है उसको बोलते हैं हम लोग लाइव वुड, यानी कि वो अभी जीवित है, वो अभी मरा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लाइव वुड, ठीक है। फिर एक होता है कन्वर्टेड टिम्बर या वुड, यानी कि लकड़ी को काट के हम लोग जिस तरीके का हमको जो सामान चाहिए, जैसे हमको मेज बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, ठीक है, डेस्क बनाना हो, ठीक, दरवाजा बनाना हो, खिड़की बनाना हो, ठीक, जो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उस वुड को क्या बोलते हैं, कन्वर्टेड टिम्बर या रूपांतरित टिम्बर, ठीक है, क्या बोलेंगे, रूपांतरित टिम्बर, ठीक। इस तरीके से टिम्बर के प्रकार होते हैं और टिम्बर क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। टिम्बर क्या है, वो मटेरियल जो हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है या इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टिम्बर, ठीक है, क्या बोलेंगे, टिम्बर। देखो जो टिम्बर है, ठीक है, वो नाम कहाँ से आया, टिम्बरन क्या होता है, टिम्बर जो होता है वो आया है एक इंग्लिश वर्ड से जिसका नाम होता है टिम्बेरियन, ठीक है, टिम्बेरियन का मतलब होता है टू बिल्ड, ठीक, क्या होता है, टू बिल्ड, तो यहीं से टिम्बर का नाम आया, ठीक। अब देखो यूज ऑफ टिम्बर, यानी कि हम लोग प्रकाष्ठ का कहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है, हम लोग प्रकाष्ठ का कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं। देखो जब भी पढ़ने आया करो तो अपना फुल नाम लिखा करो, ठीक है, अभी कौन से अभी हो ये हम नहीं जानते, ठीक है, तो इस तरीके से अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए प्लीज जब भी आप लोग आया करिए अपना नाम पूरा लेके आया करिए, ठीक है। तो टिम्बर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो पहला है टिम्बर का हम लोग इस्तेमाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, यानी कि बिल्डिंग बनाने में करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। फिर क्या, हाउस पोस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी कि कभी कहीं देखे होंगे कि जहाँ पे जो ऊपर जो घर बनता है इस तरीके से जो घर बनता है, पहले पुराने तरीके से जो खपड़ैल की तरह घर होते थे उस तरीके का घर होता है, तो ठीक, तो उसमें जो हम लोग दो तरीके से ऐसे खपड़ैल का इस्तेमाल करते थे इस तरीके से, तो वो क्या होता था, उसको बोलते हैं हाउस पोस्ट, ठीक, यानी कि जो छत है, छत को रोकने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं हाउस पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है, बीम एंड राफ्टर, बीम का मतलब हो गया जिस तरीके से हम आरसीसी की बीम लगाते हैं, यानी कि रिंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की भी हम लोग बीम लगाते हैं, उसी तरीके से हम लोग लकड़ी की भी बीम लगाते हैं, जो लकड़ी वाला घर बनता है तो उसमें लकड़ी की बीम होगी, ठीक है। कॉलम, राफ्टर का मतलब ये होता है जो हम लोग ट्रायंगल की तरह इस्तेमाल करते हैं ये चीज, ठीक। तो ये चीज जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, वो क्या कहलाता है, हमारा राफ्टर बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, राफ्टर, ठीक है।
फिर है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड बोट्स, यानी कि बोट हम लोग जानते हैं, बोट यानी कि नाव, नाव बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्रिज, कहीं कहीं देखोगे तुम लोग लकड़ी का भी ब्रिज बनता है। पहले के जमाने में जब सीमेंट कंक्रीट उतना मतलब इकोनॉमिकल नहीं था, ठीक, तो क्या पहले लकड़ियों का ही क्या बनाया जाता था, ब्रिज बनाया जाता था, ठीक है। लकड़ियों का क्या बनाया जाता था, ब्रिज बनाया जाता था, तो उसी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्रिज का इस्तेमाल उसी में किया जाता था, ठीक। फिर क्या है, फर्नीचर एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फर्नीचर हम लोग जानते हैं, सोफा बनाना हो, मेज बनाना हो, कुर्सी बनाना हो, टेबल बनाना हो, बेड बनाना हो, इसमें इस्तेमाल हम लोग करते करते, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट में देखे हो तुम लोग, गिटार में इस्तेमाल होता है, सितार में इस्तेमाल होता है, तबले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सब में उड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रेलवे स्लीपर, स्लीपर हम बता दिया कि देखो ये हमारा स्लीपर, ठीक, ये स्लीपर है और इसके ऊपर से दो पटरी ऐसे जा रही है, ठीक है, जिसपे हमारा देखे होगे। अब तो पहले, अब पहले वुड से बनाया जाता था, लेकिन अब क्या सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। सीमेंट का इस्तेमाल करके अब बनाया जाता है, पहले पहले क्या लकड़ियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। लकड़ियों को अब क्यों हटा दिया गया, क्योंकि लकड़ियों में घुन लग जाता था, दीमक लग जाता था, जिससे वो क्या लकड़ी क्या होती थी, खत्म हो जाती थी, ठीक, और एक्सीडेंट का ज्यादा बहुत ज्यादा खतरा रहता था, ठीक है। जब स्लीपर ही नहीं रहेगी तो जो हमारा ट्रैक है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और जब उस पर ट्रेन चलेगी तो क्या होगा, वो ट्रेन हिल जाएगी और गिर जाएगी, ठीक है। रेलवे स्लीपर एंड पैकिंग केसेस, यानी कि पैकिंग केसेस, यानी कि पहले क्या होता था, पैक केस बनाया जाता था, जैसे कि हम लोग मालगाड़ी देखते पूरी तरीके से पैक रहती, उसी तरीके से पहले जैसे तुम लोग देखे वो पेटी बनाई जाती है, पेटी, ठीक है, लकड़ी, उसी तरीके से रेलवे में भी ऐसे पहले टिम्बर का इस्तेमाल करके बनाया जाता था, अब नहीं होता इसका इस्तेमाल, ठीक है। फिर दूसरा है टॉयज एंड इंग्रेविंग वर्क, यानी कि जो भी हमको डेकोरेटिव सामान बनाना हो, ठीक है, जैसे हमारी टोकरी हो गई, ठीक है, डलिया हो गया, झूला हो गया, ये सब बनाने के लिए, और टॉयज हो गया, कोई भी लकड़ी का खिलौना हो गया, लकड़ी का बर्तन हो गया, लकड़ी का कुछ भी ऐसे चीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टिम्बर का, ठीक है। फिर क्या है, रेलवे कोच वैगॉन्स, ये जो वैगॉन्स होता है मतलब होता है हथियार बनाने के लिए, ठीक है, जैसे कि हमारा लाठी हो गया, ठीक है, और तुम्हारा बंदूक में भी इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी का, ठीक है, और राइफल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, फॉर्म वर्क ऑफ सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीमेंट कंक्रीट का फॉर्म वर्क, यानी कि जितना भी फॉर्म, यानी कि हमको कंक्रीट सीधा में चाहिए, ठीक है, देखे होगे तुम्हारे पास शटरिंग वाले आते हैं, देखे होगे जब छत ढलाती है तो शटरिंग वाले आते हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बोलो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, प्लाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वही होता है फॉर्म वर्क ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज पे, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या गुण हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज हैं तो गुण, ठीक है। तो कलर, कलर क्या होता है, ए डार्कर कलर इन वुड इंडिकेट द ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कि लंबे समय तक चले, ठीक है। अगर हमारे लकड़ी का डार्क कलर है, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क कलर है, तो वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि जो हमारा वुड है वो क्या है, बहुत समय पुरानी है, ठीक है, ठीक। फिर क्या है हमारा ऑर्डर, इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन फ्रेश कटिंग ट्री, यानी कि ऑर्डर हम कब बता सकते हैं, जब हम लोग एकदम फ्रेश ट्री काटेंगे तब हम बता सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कैसा है, ठीक है। हार्डनेस, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ वुड टू विदस्टैंड द आइडेंटिनेशन कॉज्ड बाय द
कॉज्ड बाय द हार्डर बॉडीज, यानी कि जब भी हम हार्डनेस तब बताएंगे जब हम उसके ऊपर लोड लगाएंगे, ठीक है। जब भी हम उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो हम उससे पता करेंगे कि हमारा जो वुड है वो कितना हार्ड है, ठीक है, वो कितना हार्ड है। ठीक, फिर क्या है हमारा डेंसिटी। डेंसिट वुड आर जनरली द स्ट्रॉन्ग, यानी कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, घनत्व होगा जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, यानी कि उसकी जो मजबूती होगी वो क्या होगा ज्यादा होगी, ठीक है। ग्रेन यानी कि जो उसका पार्टिकल्स होगा, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, डिपेंड अपॉन द एक्चुअल अलाइनमेंट द ग्रेन में बी स्ट्रेट, स्पायरल, इंटरलॉक, हैवी और इरेगुलर, यानी कि जो हमारा ग्रेन होता है यानी जो उसके छोटे छोटे कड़ यानी उसके रेशे जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक होता है स्पायरल यानी कि गोल गोल स्पायरल की तरीके से होगा, ठीक है, गोल गोल। इंटरलॉकिंग यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ हुआ, देखे होगे कि जब हम लोग लकड़ी को छीलते हैं तो एक एक बार ऐसे मारते हैं तो एक रेशा निकलता है, ठीक, फिर एक रेशा और निकलता है, निकलता जाता है, तो वही होता है क्या इंटरलॉक। वेव तरीके का यानी कि उसके अंदर जो गोलाई की नुमा निकलेगा यानी गोल गोल अगर निकलेगा तो वो क्या होता है वेव ग्रेन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर, ठीक। इन हार्डवुड द टेक्सचर डिपेंड अपॉन द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स एंड रेज, यानी कि टेक्सचर कैसा होगा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग कोई खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाने के बाद उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद कौन सा हमें टेक्सचर मिलेगा ये हम जानते हैं। यानी कि अगर हम मिर्चा मिलाएंगे तो तीखा मिलेगा, ये होता है ना, चीनी मिलाएंगे तो मीठा मिलेगा, ये जान रहे, टेस्ट कर रहे कि नहीं, सिर्फ जान रहे, ठीक है। तो वही होता है क्या टेक्सचर, ठीक। तो जो हमारी हार्ड वुड होती है यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वुड होगी वो क्या उसका जो टेक्सचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल्स यानी कि कितना उसके अंदर रेशा है और कितनी लेयर्स है यानी कि एनुअल रेयर रेस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वही बात अगर हम करें सॉफ्ट वुड की यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट वुड होगी जैसे कि हमारा वो हो गया, देखे होगे तुम लोग बहुत ज्यादा लंबा पेड़ होता है लिपस्टिक का, ठीक है, जो उसकी वुड होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ज्यादा हल्की होती है, लाइट वेट होती है, ठीक है, लिपस्टिक का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट वुड होता है उसका उसका जो होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा साइज पे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरटीएस पे, यानी कि जितना उसके अंदर एनुअल रिंग्स होगी यानी जितने साल वो पुराना होगा उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो ये था क्या हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वुड या टिम्बर, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो।